जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है। तो दोस्तों, अब आपका इंतजार है वो खत्म हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक नोटिस वायरल हो रहा है जो अभी अभी आपका हुआ है 21/8/2024 का। इसके अंदर क्या क्या मेंशन कर रखा है, कंप्लीट जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बिल्कुल जुड़े रहेंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब देखिए दोस्तों, जो भी भाई है वो ड्राइवर कोर्स से अगर फॉर्म अप्लाई कर रखा है और वो ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करना चाहता है तो वो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आकर बेहतरीन तैयारी कर सकता है। दोस्त यहाँ पर राजस्थान पुलिस ड्राइवर के यहाँ पर है वो जिम्मेदारी बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जहां पर कंप्लीट है वो जिम्मेदारी ली जाती है ट्रेड टेस्ट की। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिछले एक साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिए हैं 1000 जो सभी के सभी ड्राइवर के हैं। यहाँ पर ये जो भी 1000 सिलेक्शन है वो सभी के सभी। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हैं वो जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पर है वो आपको कैंपस यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्त रहने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, आपकी हॉस्टल की सुविधा और कंप्लीट अपना राजस्थान पुलिस का अलग से ग्राउंड सजा रखा है जो आप लोग देख सकते हैं। जो भी आपके नोटिफिकेशन में ऑप्टिकल दे रखे हैं वो ऑप्टिकल बिल्कुल मापदंड के साथ यहाँ पर बना रखे हैं, जिनके अंदर आपको थार गाड़ी प्लस बोलेरो गाड़ी और जो भी एचएमवी वाले भाई हैं उनको एस मॉडल ट्रक और 52 सीटर बस है उनके द्वारा है वो ऑप्टिकल क्लियर करवाए जाते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट जिम्मेदारी हमारी होती है। जो एलएमवी वाले भाई हैं उनको है वो 22 नंबर ट्रे टेस्ट में लेना होते हैं और एचएमवी वाले भाई हैं उनको 30 नंबर मिलते हैं। कंप्लीट ये पूरे नंबर दिलाने की हमारी यहाँ पर है वो जिम्मेदारी रहती है। तो आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए ट्रे टेस्ट से संबंधित तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हैं वो जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अब हम उस नोटिफिकेशन की बात करते हैं आपके सामने कि इसके अंदर क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो ये जो डेट आपके सामने दिख रही है 21/8/2024 की है और आज की जो डेट है वो 21 तारीख है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका रिजल्ट है वो 21, 22, 23 तारीख के बीच कभी भी जारी हो सकता है, जो कि आप 21 तारीख को यहाँ पर नोटिस देख रहे होंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के माध्यम से हुआ है और इसके अंदर जो भी आपके सामने मुख्य जो बात है आपके जरूरी जो बातें हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इस बॉक्स के अंदर जो भी बातें हैं वो आपकी जो पीछे आपका फिजिकल हुआ है एग्जाम हुई है उसकी जो डेट है वो मेंशन कर रखी है कि इतनी डेट से लेकर इतनी डेट तक आपकी एग्जाम हुई है, इतनी डेट से लेकर इतनी डेट तक आपका फिजिकल हुआ है। अब जो आगे की प्रोसेस है वो आपकी कब तक स्टार्ट होने वाली है तो कंप्लीट जानकारी है वो यहाँ पर दे रखी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या मेंशन कर रखा है, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आप लोग को साफ साफ यहाँ से दिख सके। बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप लोग क्या मेंशन कर रखा है कि उक्त भर्ती के आगामी चरण में कॉन्स्टेबल चालक घुड़सवार स्वांदल बैंड पद पर के आवेदकों की दक्षता, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आवेदकों की दक्षता परीक्षा रेंज मुख्यालय स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी आपके आगे चालक हैं, घुड़सवार हैं, स्वांदल है, बैंड के जो भी कैंडिडेट हैं, उनकी जो आगे की जो चरण के अंदर प्रक्रिया होने वाली है वो आपके रेंज मुख्यालय स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी। आगे क्या कह रखा है कि अतः रेंज मुख्यालय स्तर पर ग्राउंड चिन्हित कर दिनांक 23/8/2024 तक इस कार्यालय को अवगत करवाए ताकि दक्षता परीक्षा हेतु रेंजवार तिथि निश्चित की जाकर अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी करवाए जा सके। यहाँ पर बिल्कुल मेंशन कर रखा है कि जो भी आपके यहाँ पर रेंज मुख्यालय स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी आगे की जो भी प्रोसेस है उसके अंदर जो ग्राउंड आपको तैयार करने हैं वो ग्राउंड आप लोग चिन्हित कर लीजिए कि कौन कौन से ग्राउंड के अंदर आपका है वो ट्रेड टेस्ट आप लोग लेंगे और उसकी जो अपडेट है वो आप लोग 23/8/2023 तक आप लोग कार्यालय मुख्यालय के अंदर आपको है वो फुगाना है ताकि वहां से आपको है वो अपडेट मिल सके कि अब आपका है वो ट्रेड टेस्ट इतनी तारीख को है वो स्टार्ट करना है, बाकी की जो प्रोसेस है वो इतनी तारीख से आपको ट्रेड टेस्ट स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ आप लोग देख रहे होंगे सिग्नेचर वगैरह और यहाँ पर डेट भी मेंशन कर रखी है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 21/8 की डेट है सिग्नेचर के साथ।
तो बिल्कुल ये जो आपका नोटिस है ये एकदम सही नोटिस है, जिसके माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि 23 तारीख 8वां महीना 2023 जो सॉरी 2024 आपकी जो दो दिन बाद की डेट है उसके माध्यम से बताना रहेगा कि ये ग्राउंड है जिनके अंदर हम है, हम ट्रेड टेस्ट है वो कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट अब कब तक जारी होने वाला है, मैं आपको बता देता हूं कि रिजल्ट आपको फिर से बताऊंगा, मैं पिछली बार भी मैंने बताया था और अभी मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट आपका 23 तारीख या फिर 24 तारीख के बीच आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और ट्रेड टेस्ट की हम बात करें आपके सामने, ट्रेड टेस्ट की हम अगर बात करें, ट्रेड टेस्ट की हम अगर बात करें आपका कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप लोग यहां से मान के चलिए 28 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच आपका ट्रेड टेस्ट है वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो अब आपके पास जो समय है वो मात्र और मात्र 10 दिन का समय है। 10 दिन के अंदर आप लोग हैं वो अपनी बेहतरीन तैयारी करके है वो अपना फाइनल सिलेक्शन है वो यहां से ले सकते हैं। जिन भाइयों के थोड़े बहुत अच्छे नंबर है, अगर ड्राइवर के जो भी कैंडिडेट है उनके अगर 70-75 के आसपास अगर नंबर बन रहे हैं तो वो भाई अभी से अपनी तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दे, ताकि उनका है वो आगे की जो भी प्रोसेस होती है उसके अंदर है वो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त वो लोग कर सके। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जो भी ड्राइवर के भाई हैं वो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आकर बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जहां पर जिम्मेदारी के संपूर्ण बैच स्टार्ट हो चुके हैं, पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर है वो ली जाती है दोस्त, और बेहतरीन आपको तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी आप लोग ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक सभी को जय हिंद जय भारत।